हेलो स्टूडेंट्स, टेली प्राइम 3.0 की क्लास नंबर 17 में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम टेली सॉफ्टवेयर में ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट में और बैलेंस शीट की रिपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि टेली सॉफ्टवेयर हमें ट्रायल बैलेंस में किस प्रकार की रिपोर्ट दिखाता है और बैलेंस शीट में किस प्रकार की रिपोर्ट हमें देखने को मिलती है, और टेली सॉफ्टवेयर के अंदर हम ट्रायल बैलेंस को प्रॉपर और प्रैक्टिकल तरीके से किस प्रकार से हम देखते हैं। तो ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल तरीके से मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कोई भी स्टेप इस वीडियो का स्किप मत करना। और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आगे भी आपको इसी टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और आज की वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं भी ट्रायल बैलेंस में और बैलेंस शीट में दोनों की रिपोर्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, वैसे तो दोनों ही रिपोर्ट हमारी बुक्स की फाइनल रिकॉर्ड को देखने के लिए तैयार करी जाती है। जैसे सबसे पहले हम फाइनल अकाउंट पे चलते हैं और यहाँ पर हम बैलेंस शीट पे चलते हैं। तो आप बैलेंस शीट पे जाके देखोगे तो आपको एक साइड लाइबिलिटीज का और एक एसेट साइड का आपको हेड देखने को मिलता है। अगर हम लाइबिलिटी साइड की बात करें तो वहां पर हमारा सैलरी क्रेडिट्स है, हमारे कैपिटल अकाउंट्स होते हैं, यानी कि जितने भी हमारी कंपनी की तरफ से पेबल अकाउंट्स रहते हैं वो सारे के सारे आपको लाइबिलिटी साइड के अंदर शो होते हैं। और उसके बाद में जितनी भी हमारी एसेट्स होती है, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक हो गया, हमारे सैलरी डेप्टर हो गए, कैश इन हैंड हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, या हमारे फिक्स्ड एसेट हो गए, ये सारे हमारे एसेट साइड में रहते हैं। और यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है, हमें वही अकाउंट्स शो होते हैं जिन अकाउंट्स का क्लोजिंग बैलेंस है जो रह जाता है, यानी कि शेष अमाउंट उनकी रह जाती है, चाहे वो क्रेडिटर हो चाहे वो डेप्टर हो। ठीक है, अब मान लीजिए जैसा कि हम यहाँ पर बैलेंस शीट में आते हैं और सैलरी क्रेडिटर को देखते हैं। तो सैलरी क्रेडिटर की अगर बात करें तो कुछ इस टाइप के हमारे को क्रेडिटर ये फाइनल अमाउंट है जो शो होती है। जैसे कि अगर बात करें भी, ये हमारा एक क्रेडिटर है ABC ट्रांसपोर्ट कंपनी, और इसका हमारा फाइनल बैलेंस हमें बैलेंस शीट के अंदर देखने को मिल रहा है 11,200 का। इंटरप्रेस हम करते हैं तो यहाँ देखते हो इसका भी सिंगल ही ट्रांजेक्शन है 11,200 की। तो कुछ इस तरीके की ट्रांजेक्शन होती है, जैसे आप ये अकाउंट हम देखते हैं, बैलेंस हमें को दिखता है 2,04,696 रुपए का। एंटर प्रेस करते हैं तो इसके दौरान हमारे पूरे साल में उसकी कुछ ट्रांजेक्शन भी शो होती है, डेबिट साइड की भी और क्रेडिट साइड की भी, और इसके साथ इसका ओपनिंग बैलेंस है। लेकिन बैलेंस शीट के अंदर हमें पूरे साल के अंदर इसकी ट्रांजेक्शन कितनी हुई वो शो नहीं होती, जबकि इसका लास्ट है जो क्लोजिंग बैलेंस हमें शो होता है। इसी तरीके से एक बार हम डेप्टर को देख लेते हैं। डेप्टर हमें यहाँ पर एक सिंगल ट्रांजेक्शन हमें दिखाई दे रही है, MMN कंपनी की ये अमाउंट है। इंटरम प्रेस करेंगे तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पर भी एक सिंगल अमाउंट आ रही है। इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में दो अमाउंट आपको शो करेगी, एक 40 लाख रुपए की, एक 15,500 रुपए की। तो टोटल बैलेंस आपका ये, और बैलेंस शीट के अंदर आपको ये बैलेंस शो करता है। अब हम बात करते हैं फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें क्या शो करते हैं। बैलेंस शीट के अंदर आपको केवल फाइनल अकाउंट शो करते हैं, इसके अंदर आपको परचेज सेल नहीं दिखेगी, ठीक है, और ना ही आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे या इनडायरेक्ट इनकम थी वो आपको यहाँ पर शो नहीं करेगी। अगर आपको वो चीज शो करनी है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हो कि टोटल आपकी परचेज कितनी है, सेल कितनी है, और टोटल आपके एक्सपेंसिस कितने हैं, वो सारे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की, ठीक है। ट्रायल बैलेंस देखने के लिए हम डिस्प्ले पर चलते हैं और ट्रायल बैलेंस पे इंटरप्रेस करते हैं। यहाँ पर हम Alt+F1 के साथ इसकी डिटेल को ओपन कर लेते हैं। आप फर्स्ट टाइम जैसे ट्रायल बैलेंस को ओपन करोगे टेली सॉफ्टवेयर में, आपको कुछ इस तरीके की रिपोर्टिंग है जो दिखाई देगी। अब इस ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या होगा भी, आपने पूरे साल के अंदर जितने भी लेजर आपने क्रिएट करे हैं वो सारे के सारे लेजर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर शो होते हैं, चाहे वो कैपिटल अकाउंट हो, चाहे वो आपकी वो परचेज सेल हो, चाहे आपके वो एक्सपेंसेस या इनकम की डिटेल हो, सारे के सारे टोटल लेजर आपको यहाँ पर शो करेंगे। लेकिन आप फर्स्ट टाइम देखोगे तो यहाँ पर भी आपको केवल उसका क्लोजिंग बैलेंस ही शो करेगा। लेकिन अब हम चाहते हैं भी इसकी पूरी डिटेल हमारे सामने शो, तो अगर आप इसको प्रॉपर डिटेल के साथ देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको F12 यानी कि कॉन्फिगरेशन पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद में आपके सामने ये कई ऑप्शन आएंगे, शो ओपनिंग बैलेंस इसको आपको यस कर लेना है, उसके बाद में शो ट्रांजेक्शन इसको भी आपको यस कर लेना है, नेट ट्रांजेक्शन ओनली इसको आपको नो रखना है, इसको यस करने से क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे, और आपको शो क्लोजिंग बैलेंस ये भी आपको देखना है। उसके बाद आपको सिंपल कंट्रोल ए प्रेस कर देना है, और उसके बाद में
जैसे हमारी हमने एक्सेप्ट किया तो ये रिपोर्ट हमारी सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब इसमें क्या होगा भी जितने भी आपके लेजर है वो लेजर आपको अब इस चार हेड के अंदर दिखेंगे। आपका उस लेजर का ओपनिंग बैलेंस कितना था, पूरे साल के अंदर उसका लेजर डेबिट कितने अमाउंट से हुआ, टोटल क्रेडिट अमाउंट से कितना हुआ, और फिर लास्ट के अंदर उसका क्लोजिंग बैलेंस है जो कितना बच गया। ये चार हेड के अंदर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर रिपोर्ट दिखेगी। ये आपको बैलेंस शीट के अंदर आपको सिंगल एक एक अमाउंट की मतलब लेजर के ऊपर जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा, तब आपको ये रिपोर्ट दिखती है। ठीक है, अब इसके दौरान अब आपके सामने कुछ इस टाइप के भी लेजर होंगे जो पूरे साल के दौरान आपने उनसे परचेज सेल करी और लास्ट के अंदर उनका पेमेंट आपने कर दिया, तो वो आपका अमाउंट है जो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहां पर चलते हैं सैंडी डेप्टर में। यहां पर मैं शिफ्ट के साथ एंटरप्राइज करूंगा तो सैंडी डेप्टर की यहां पर मेरे सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी। अभी आपने बैलेंस शीट के अंदर देखा था तो बैलेंस शीट के अंदर सैंडी डेप्टर के अंदर हमें केवल एक लेजर शो हो रहा था एमएम एंड कंपनी का, और इसका ये बैलेंस हमको शो हो रहा था 55,500 रुपए का। लेकिन अगर हम ट्रायल बैलेंस में देखें तो हमारे पास में एक डेप्टर और भी आ रहा है सुरेश ट्रेडिंग कंपनी के नाम से, लेकिन इसका बैलेंस हमने हमारे को बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं हो रहा था। एक बार हम फटाफट से जल्दी से देख लेते हैं, बैलेंस पे हम चलते हैं, सैंडी डेप्टर पे हम चलते हैं। लेकिन सैंडी डेप्टर के अंदर आप देख लो सिंगल अमाउंट आपको दिख रही है, सुरेश एंड कंपनी का आपको यहाँ पर लेजर नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, इसके लिए वापस हम एक बार ट्रायल बैलेंस पर चलते हैं और फटाफट से हम सारी रिपोर्ट्स को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका लेजर वहां पर इसलिए शो नहीं हुआ क्योंकि इसका लेजर ड्यूरिंग द ईयर क्लोज हो चुका था, यानी कि इसकी ओपनिंग बैलेंस तो इसका कुछ नहीं था, लेकिन साल के दौरान 7490 रुपए से इसका अकाउंट डेबिट हुआ और 7490 रुपए का इसका अकाउंट है जो क्रेडिट हो चुका था। इसका क्लोजिंग बैलेंस जीरो है, इसलिए इसने बैलेंस शीट के अंदर इसकी रिपोर्टिंग नहीं करी। इस लेजर पर हम एंटरप्राइज करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर पूरे साल के दौरान इसकी कुछ ट्रांजेक्शन भी हुई है। टोटल यहाँ पर भी आप देख सकते हो 7490 डेबिट, 7490 रुपए क्रेडिट है, लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको वो लेजर भी शो होंगे जो ड्यूरिंग द ईयर आपके क्लोज हो चुके हैं, यानी कि वो डेबिट और क्रेडिट बराबर अमाउंट के साथ में नील हो चुके हैं, तो लेकिन वो रिपोर्ट हमें बैलेंस शीट के अंदर देखने को नहीं मिलती। तो इसलिए जब भी हमें किसी की बुक्स अकाउंट चेक अगर करनी हो तो आपको बैलेंस शीट में जाने के बजाय आपको ट्रायल बैलेंस उसका ओपन करना चाहिए। चाहे आप कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रॉपर आपको लेजर शो हो जाएंगे वन टाइम ही। आप यहाँ पर इसकी टोटल आपकी परचेज भी देख सकते हो, परचेज के दौरान आपकी टोटल परचेज रिटर्न कितनी हुई वो भी आपको यहाँ पर दिखेगी, टोटल आपकी सेल कितनी भी है सेल भी आपको यहाँ पर दिखेगा, टोटल आपके एक्सपेंसेस कितने हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो टोटल एक्सपेंसेस अगर आपके कोई डेबिट क्रेडिट भी हुआ है तो वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा भी टोटल आपके डेबिट कितने हैं क्रेडिट कितने हैं। जैसे कि आप ये एक राउंड ऑफ का एक लेजर है हमारे सामने, इसका आप हेड देख सकते हो भी ये साल के दौरान 2 पैसे से डेबिट भी हुआ है और ये 5 पैसे से क्रेडिट भी हुआ है, इसलिए इसका जो लास्ट में बैलेंस है वो 3 पैसे के साथ में क्रेडिट के साथ शो कर रहे हैं। तो ये हमारी रिपोर्ट्स होती है ट्रायल बैलेंस के अंदर, ओपनिंग पूरे साल के दौरान डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ और क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा हुआ है। अब हम वापस F12 प्रेस करते हैं, अगर हम इस ऑप्शन को यस कर देते हैं नेट ट्रांजेक्शन ओनली, अगर हम इसको यस करते हैं और उसके बाद हम इसकी रिपोर्ट देखते हैं तो अब इसके दौरान हमारे पास क्या होगा कि पूरे साल के अंदर डेबिट क्रेडिट होने के बाद टोटल डेबिट क्रेडिट कितना हो उसका एक सिंगल अमाउंट आपको दिखाई देगा। अब यहां देख सकते हो ओपनिंग, नेट ट्रांजेक्शन और क्लोजिंग, ये तीन के अंदर हमारा रिपोर्ट शो करेगा। तो ये रिपोर्ट आपको थोड़ा सा उलझन में डाल सकती है, इसलिए आपको F12 प्रेस करके नेट ट्रांजेक्शन को आपको हमेशा ऑप्शन को नो रखना है और उसके बाद आपको पूरी रिपोर्टिंग चेक करनी है। इसी तरीके से आप सैंडी क्रेडिटर देख सकते हो कि आपके क्रेडिटर के टोटल ओपनिंग बैलेंस ये थे, क्रेडिटर टोटल आप कितने डेबिट हुए इतने क्रेडिट हुए और ये आपका पेबल आ रहा है। आप शिफ्ट के साथ एंटरप्राइज करोगे तो टोटल आपके क्रेडिटर्स की टोटल डिटेल आ जाएगी। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये 11,200 रुपए का पूरे साल के दौरान क्रेडिट ही हुआ है और इसका क्रेडिट बैलेंस जा रहा है, और ये एक ऐसा लेजर है जिसका कुछ ओपनिंग बैलेंस भी था, पूरे साल के अंदर ये डेबिट भी हुआ है कुछ क्रेडिट भी हुआ उसकी अमाउंट, और ये इसका क्रेडिट बैलेंस है जो हमारा फाइनल के अंदर पेबल में जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रॉपर रिपोर्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर देख सकते हैं, और एक रिपोर्ट हम देख सकते हैं डे बुक के अंदर। लेकिन डे बुक के अंदर आपको क्या होता है भी आपने जो भी पर्टिकुलर की आप डेट देख रहे हो या पर्टिकुलर एक पीरियड देख रहे हो एक मंथ का, 6 मंथ का या पूरे साल का, तो वहां पर आपको इतना पता चलता है डे बुक के अंदर भी आपने इस तारीख को
पेमेंट वाउचर की भी एंट्री करी हुई है, रिसिप्ट भी है, सेल भी है, जर्नल भी है, कॉन्ट्रा भी हो सकता है, जो भी आपका क्रेडिट नोट डेबिट नोट है सारे वाउचर आपको डे बुक में शो करेंगे। लेकिन डे बुक के अंदर आपको किसी भी पार्टी का क्लोजिंग बैलेंस है जो देखने को नहीं मिलता, ठीक है। डे बुक हमारी पर्टिकुलर एक वाउचर को चेक करने के लिए होती है कि आपने इस तारीख के अंदर इतने इतने वाउचर हमने एक्सेप्ट करें, यानी कि इतनी एंट्री आपने पास करी है। गलती से कोई डबल होगी तो आप इसको डिलीट कर सकते हो, या कोई उस दौरान कोई एंट्री नहीं हुई है तो वह एंट्री अगर आपको करनी जरूरी थी तो वह आप वो डे बुक में जाके देख सकते हो भी वो ट्रांजेक्शन मैंने पास करी है या नहीं करी उस डेट के अंदर। तो डे बुक के अंदर हमारी रिपोर्ट होती है केवल वाउचर को देखने के लिए, बैलेंस शीट होती है हमारी किसी भी फाइनल लेजर जो हमारे पास में बुक्स के अंदर 31 मार्च को जो बच गए पेबल है या फिर वो रिसीवेबल है उसकी रिपोर्ट को देखने के लिए। और ट्रायल बैलेंस होता है हमारे पूरे साल की ओपनिंग, कितना डेबिट हुआ साल के दौरान, कितना क्रेडिट हुआ और उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, पूरी रिपोर्ट को देखने के लिए ट्रायल बैलेंस का हम यूज करते हैं। आई होप कि इस वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करना।